भाई आपके घर में खाना नहीं है तो आप दूसरे घर की बात करेंगे? ऐसे नहीं होता है। आप समस्याओं से भाग रहे हैं, समस्याओं के समाधान से भाग रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। पूरी तरह से नौटंकी कह सकते हैं हम लोग, राजनीतिक नौटंकीबाजी करते हैं इसको। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के क्या है राजनीतिक मायने, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया लाइव में। आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे के इस वक्त क्या मायने हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए संजय जी, राहुल गांधी का मणिपुर दौरा जो है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखा जाए तो उसमें एक बड़ी लकीर खींच दी है राहुल गांधी ने, एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। कोई उम्मीद ये भी नहीं कर रहा था कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो उनको जाने का मौका दिया जाएगा। इसके पहले आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, वहाँ विपक्ष का नेता को जाने नहीं दिया गया, कानून और व्यवस्था के नाम पर उनको रोक दिया गया। और नतीजा क्या हुआ कि हम एक तरफा चीजें देखते रहे और राहुल गांधी जैसा नेता को जो जिसको कि आप डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं आज की तारीख में। और लेकिन ये दो दिन का जो दौरा है राहुल गांधी मणिपुर का, और आप याद करिए उनका भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर का दौरा, भारतीय राजनीति में खास करके जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति हो रही है और कांग्रेस की जो डूबती हुई स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा एक तरह से क्या कहते हैं एनर्जी काम है। और देश में चाहे दुनिया में भी एक राजनेता का जो काम होता है उसमें राहुल गांधी पास कर गए। देखिए रिजल्ट क्या होगा चुनाव में कोई नहीं जानता, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना। मोदी सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है, 303 सांसद थे, लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन लगातार राहुल गांधी की स्थिति और कांग्रेस पार्टी की स्थिति, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बढ़ा है उसका बहुत बड़ा देन जो है वो आप राहुल गांधी के इस यात्रा को आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए हमने बीते दो दिन में देखा कि राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं, वहां राहत शिविरों में जाते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी राजनीति हुई वहां पर, जैसा कि आपने भी बोला कि भाई राहुल गांधी को क्या उस दौरे में जाने दिया जाएगा, क्या वो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी एक शक शुबा बना हुआ था, उनको रोकने की कोशिश की गई और ये कहा गया राज्य सरकार द्वारा कि मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और वो राहुल गांधी को बायकॉट करेंगी। लेकिन जब तस्वीरें आई तो जो महिलाएं पहले प्रधानमंत्री मोदी से पीस की डिमांड कर रही थी, यानी कि शांति बनाने की डिमांड कर रही थी, वही महिलाएं एक बार फिर दूसरे पोस्टर्स के संग खड़ी थी और बोल रही थी कि हम राहुल गांधी, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और हमसे मिले। क्या मणिपुर की जनता इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा नेता आए उनके बीच, उनकी बातों को समझे, जो हिंसा वहां कुकी और नीति समुदाय के बीच हो रही है उसके बीच समझाइश की कोई गुंजाइश बने, जो कि मोदी जी को करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की, राहुल गांधी ने कर दे, राहुल गांधी पहुंचाते और कर देते हैं। अब जानना आपसे मैं ये चाहूंगा कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में इसे लेकर जो कांग्रेस है वो कितना अपने आप को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि देखिए मणिपुर जो पिछले दो महीनों से जो जला वो सभी की नजरों में रहा और वहां की जनता एक सपोर्ट चाह रही थी, फिर चाहे वो सरकार का हो या इंसानियत के तौर पर किसी भी नेता का हो, तो कांग्रेस को कितना मजबूत करता है राहुल गांधी का ये दौरा नॉर्थ ईस्ट? कांग्रेस मणिपुर में मजबूत होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन मणिपुर के दौरे से कांग्रेस की स्थिति में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बढ़ेगा देश भर में, उसका असर आपको 2024 के चुनाव में साफ देखने मिलेगा। मणिपुर में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, वहां मजबूत स्थिति की सरकार है, आप ये समझिए। लेकिन अब इसको आप दूसरे रूप में देखिए कि राहुल गांधी क्या किया, उन्होंने दौरा किया, हो सकता है कि जो महिलाएं वहां पर उनके वेलकम के लिए आई होंगी उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको मोटिवेट किए होंगे, ये भी आरोप लग सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन किसका कार्यकर्ता है, सवाल सिर्फ एक था वहां पर कि मणिपुर में संकट है, वहां पर राजनेताओं को और प्रशासनिक समझ रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, वहां पर मेडिकल चाहिए, वहां पर खाना चाहिए, वहां पानी चाहिए, वहां पर लोगों का इंटरनेट कनेक्शन पिछले दो महीने से बंद है,
बुरी तरह से पूरा मणिपुर राज्य जो है ग्रसित है। ऐसे में आप एक जाते हैं राजनेता के तौर पर, आपका काम होता है कि आप पब्लिक से जुड़े, हो सकता है कि आपका विरोध भी होगा, कुछ लोग आपका स्वागत भी करेंगे। तो राजनीति में तो विरोध और स्वागत और विरोध दोनों चलते रहता है, ये नहीं बात है। अब ये कह देने मातृभर से कि राहुल गांधी का वहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया, ये भी खबरें हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो अभी फिलहाल संसद से डिस्क्वालिफाइड है, लगातार बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है कि वो किस हैसियत से गए थे। आप सोशल मीडिया में जब ट्रेंड देखेंगे, जिस भी हैसियत से गए, भारत के नागरिक हैसियत से गए थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते गए थे, गए तो कम से कम। और भारतीय राजनीति में इसकी कमी हाल के दिनों में देखने को मिली। आपको याद होगा, हमने पहले भी एक बार डिस्कशन में कहा था कि जब कहीं कोई घटना घटती है, लोगों की मौत हो जाती है, तो हम सांत्वना देने के लिए, जैसे आप देखिए समझिए इस बात को कि बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई, 290 आसपास लोगों की जान चली जाती है, प्रधानमंत्री क्यों चले गए वहां? अब आप ये भी पूछ सकते हैं क्यों चले गए वहां, तो सरकार बीजू पटनायक की, सॉरी बीजू जनता दल की सरकार है। तो बतौर एक राजनेता, बतौर एक प्रधानमंत्री, बतौर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते या एक संवेदनशील नागरिक है, आपका जाना एक कर्तव्य होगा। और राहुल गांधी ने बड़ा कहा जिसको आप नकार नहीं सकते, आप इसको झुठला नहीं सकते। जो काम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को करना देता, जेपी नड्डा साहब को करना देता, अमित शाह को करना देता, प्रधानमंत्री मोदी को करना देता, लेकिन कोई नेता वहां पर नहीं गया। जब चुनाव होता है उसी मणिपुर में, तो यूपी से आपको योगी जी भी पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह भी पहुंचते हैं, तो तमाम तरह के नेता तो आपको चुनाव से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उसी राज्य में कोई संकट है तो आपका जाना नैतिक दायित्व बनता है, राजनीतिक दायित्व बनता है। और हाल के दिनों में ट्विटर और सोशल मीडिया के आने के बाद, सिर्फ ट्विटर पर श्रद्धांजलि, ट्विटर पर सांत्वना और ट्विटर पर समाधान, यही होने देखने को मिल रहा है। जो देखिए, जहां तक मैं आपकी बात से अब तक समझ पाया हूँ वो ये कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ये सेलेक्टिव हो गए हैं राजनीति में, सेलेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री का एक दिन के रेस्ट के बाद जो पहला दौरा था और पहली जनसभा थी वो मणिपुर की जगह मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद फिर शताब्दी दिवस जो कि कल मनाया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो वहां पे गए, वहां पे उन्होंने स्पीच दी, मेट्रो ट्रेन से गए, लोगों से बातचीत की। तो क्या प्रधानमंत्री जो है वो सेलेक्टिव हो गए हैं? देखिए, सेलेक्टिव हुए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों से बचना चाहते हैं और बचते रहते हैं, ये तो साफ दिख रहा है। देखिए, अमेरिका से आने के बाद एक दिन रेस्ट लिया उन्होंने, और एक वीडियो भी आया था हम लोग सामने में कि वो हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग क्या थी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उसमें तमाम तरह की बातें थी कि भाई 6 दिन की यात्रा से आप लौटेंगे तो जाहिर सी बात है आप देश में क्या चल रहा है, आप अपने सहयोगियों के साथ में, बड़े अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन तुरंत आपको भोपाल पहुंच जाना और वहां मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत, इस तरह के बीजेपी के एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां नारे लगा रहे हैं, वहां पर आप विरोधी पार्टियों को कोस रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री शहडोल पहुंचे हैं, आज भी वहां उनका कार्यक्रम है शहडोल में। मतलब कि आपके पास सुरक्षा है, आपके पास सुविधा है, आपके पास देने को बहुत कुछ है। राहुल गांधी के पास देने को क्या था सिवाय एक सहानुभूति देने के अलावा क्या था? प्रधानमंत्री अगर उस एरिया में जाता है तो जाहिर सी बात जो कमियां दिखाई पड़ेगी, जैसे मान लिया कि वहां पर राहत कैंपों में दवा की आवश्यकता होती है, खाने पीने की जो समस्या होती है उसको दी जाती है, फिर इसके अलावा आपको क्या कहते हैं रहने की जो व्यवस्था है राहत कैंपों में, जो हम लोगों ने फोटो देखा है राहुल गांधी के जाने से ही मणिपुर की कुछ चीजें तस्वीरें सामने आई है देश के सामने में, नहीं तो इसके पहले जो तस्वीरें आ रही थी टेलीविजन चैनल पर या सोशल मीडिया में सिर्फ हिंसा की खबरें आ रही थी, जो बहुत ही चिंताजनक बात थी और लगातार चिंता खाई जा रही थी देश को। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद आपने देखा होगा कैसे वो छोटे छोटे बच्चों के साथ में उसको अपने साथ में लेकर के
कुछ लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो लड़की रो रही है, संवेदना दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के पास देने का कुछ नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भी एक देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, 303 सांसद वाले प्रधानमंत्री है, आपको डर किस बात का? आपके पास सिक्योरिटी भी है, हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी भी नहीं है। उन्होंने जान जोखिम पर डाल कर गए वहां पर। आप उसका दूसरा रूप भी देखिए, अगर आप, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां से सड़क मार्ग से जाने के लिए रुक जाता है, वहां का प्रशासन कहा कि नहीं आप जाइए, क्योंकि वो लोग हमला कर सकते हैं बीआईटी पर। अब बताइए, लेकिन प्रधानमंत्री जाते तो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाता। ज्ञानेश जी, मुझे एक हादसा याद आता है, अभी पिछले साल हुआ था मोरबी पुल हादसा, आपको याद होगा, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसमें भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस वक्त कुछ तस्वीरें जो थी वो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए थे, जो कि वहां के लोकल हॉस्पिटल के थे जहां पर मोरबी हादसे में जो घायल थे उनको ले जाया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले ही उस हॉस्पिटल का में पेंट हो रहा था, सब चीजें ठीक की जा रही थी, व्यवस्थित की जा रही थी। तो आपका जो कहने का मतलब है, अगर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करते तो जो हालात हम देख रहे हैं कि जो 300 से ज्यादा राहत शिविर है जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर अपनी जान बचाते हुए रह रहे हैं, उनके उनको समाधान मिलता, उनके लिए और भी बहुत कुछ सरकार की तरफ से किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है जो कि बीते दिन ही सामने आया, वो ये था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास जाते हैं और बड़े नाटकीय ढंग से जो है ये पूरा चित्रण होता है। सुबह 10 बजे से खबर चलनी शुरू होती है और शाम 4-4:30 बजे करीब पता चलता है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे और उनका एक समर्थक बाहर आके उस इस्तीफे को फाड़ देता है। तो ये सारा नाटक क्यों और इस टाइम क्यों? देखिए संजय जी, अभी एक शब्द आया है लिंचिंग। लिंचिंग मतलब होता है भीड़ आपको पीट देता है, मार देता है, जान लेता है। पहली बार देश ने देखा लिंचिंग रिजिग्नेशन, लिंचिंग त्याग पत्र, भीड़ ने उनके त्याग पत्र को खींच करके और वो फाड़ देता है। अब क्या कहा जाए इसको, नौटंकी कहा जाएगा इसको? अगर आपको इस्तीफा देना है या नहीं देना है, या आप इस्तीफा, उसमें आपने देखा होगा जो टुकड़ा बाद में जोड़ करके सोशल मीडिया पर है, अखबारों में भी छपी है, आप उसमें देखेंगे कि मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है बकायदा उसमें ज्ञापन पत्रांक सब कुछ मेंशन है। और ऐसे महत्वपूर्ण कागज को आप भीड़ के सामने लाते हैं, और अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो बकायदा दे दिया जाता है कि इसको आप फाड़ सकते हैं, फाड़ने के बाद फिर दे दीजिएगा ताकि हमको डिस्प्ले भी करना है। मतलब बीजेपी में अगर कहा जाए एन बीरेन सिंह की पूरी तरह से नौटंकी कह सकते हैं हम लोग, राजनीतिक नौटंकीबाजी करते हैं इसको और कुछ नहीं। आप मणिपुर को संभाल नहीं रहे, आप इस्तीफा देने का नाटक और फिर बाद में फाड़ने और भीड़ के द्वारा फड़वाने का काम करते हैं, उसको फिर बताया जाता है कि नहीं अभी माहौल खराब नहीं है। अरे भाई साहब, अभी तो मणिपुर संकट में है, आप फिर एक नया राजनीतिक ड्रामा खड़ा करते हैं। ये सब इसलिए होता है, दरअसल क्या है कि बहुत प्रेशर में है मणिपुर का प्रशासन, मणिपुर का मुख्यमंत्री या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, तो समझ नहीं पा रहा है कि इस समस्या को कैसे टैकल किया जाए। संकट वहां पर, मणिपुर का संकट तो है ही, राजनीतिक संकट बीजेपी के सामने भी खड़ा हो गया और बीच में आकर के राहुल गांधी ने और संकट खड़ा कर दिया। ये बताइए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, एक राजनेता के तौर पर वहां जाना और उनका आना, 2 दिन वहां रहे और उनसे पत्रकार जब पूछते हैं कि बताइए इसमें क्या करना है आपका, तो बोले मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। बताइए, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करके भी राजनीतिक बातें कर दी उन्होंने, राजनीतिक कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी। कम से कम अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता लोग बोल सकते हैं कि देखिए हमारे नेता वहां गए थे, उन्होंने राजनीति की बात नहीं की। इसी को कहते हैं राजनीति। यहाँ पर बीजेपी फेल हो गई है, वो लकीर बड़ी खींचती है राहुल गांधी ने। मैंने शुरू में कहा था कि राहुल गांधी नई लकीर खींचती है, बड़ी लकीर खींचती है बीजेपी के पास। इसलिए बीजेपी के पास सिवाय इतिहास में जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है वो साइनिंग इंडिया के चक्कर में फंस गया है। उन्हें वास्तविकता की जानकारी नहीं है कि देश में क्या क्या हो रहा है। आप आंकड़े देकर के महंगाई को कम बता रहे हैं, कोई टमाटर कम खाने को कह रहा है, टमाटर के गुण और उसके दुर्गुण पर बात हो रही है आजकल। जैसे ही
हर मुद्दे को जब काटने लगते हैं, जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हार गई, तो हार गई तो मानना तो पड़ेगा ना कि आप हार गए, तो जीतेंगे कैसे? जब लड़ाई लड़ेंगे तब, कभी बीजेपी दो लोगों की पार्टी थी, 84 में उनको मात्र 2 सीटें मिली थी। सवाल उसका नहीं है, देश में जो राजनीतिक संकट है, राजनीतिक ड्रामेबाजी बहुत हो रही है। आप राजनीतिक ड्रामेबाजी के बीच, इसी राजनीतिक ड्रामेबाजी के बीच हमारे प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश में थे तो वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भीड़ को और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि भाई महंगाई नहीं है, बहुत अच्छे स्तर पर है। उन्होंने एग्जांपल जो दिया वो दिया पाकिस्तान का, जो इस वक्त आटे दाल सबके लिए हैंड टू माउथ हो रखा है। उसके बाद दिया एग्जांपल श्रीलंका और बांग्लादेश का, जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है। तो क्या ये वो देश हैं जिनके साथ हम खुद को कंपेयर करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो अभी अमेरिका से आए हैं और अच्छा इतना उनका स्टेट विजिट रहा, उसके बाद आके जब वो देश की जनता के बीच हमें कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ, तो क्या उनका ये कंपैरिजन ठीक होगा? क्योंकि देखिए, महंगाई को छुपाने के लिए, कम बताने के लिए आप इन्हीं देशों का सहारा ले सकते हैं, इन्हीं का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या देखिए संजय जी, आप भी एक घर के मुखिया हैं, मतलब आप घर के मालिक होंगे, आप घर जाएंगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ पूछेगी कि खाना घर में नहीं है, तो क्या आप यही कहेंगे कि अभी मैं पड़ोस से देख के आ रहा हूँ उसके यहाँ खाना नहीं है, क्या उनकी भूख खत्म हो जाएगी? आप समझिए इस बात को भाई, आपके घर में खाना नहीं है तो आप दूसरे घर की बात करेंगे? ऐसे नहीं होता है। आप समस्याओं से भाग रहे हैं, समस्याओं के समाधान से भाग रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, तो जवाब नहीं है तो क्या कहेंगे कि भाई पड़ोस में देखिए। सीधा सिंपल मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके घर में कोई समस्या होगा तो आप अपने बच्चों को, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होता है और जितने भी नागरिक करते हैं उसके एक तरह से प्रजा है, तो आप प्रजा को ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, हमारे बच्चे मान लीजिए भूखे रहेंगे तो मैं ये बोलूंगा देखो बगल वाले घर में खीर नहीं खा रहे हैं लोग? ऐसे नहीं होता है, ये राजनीति, ऐसे राजनीति नहीं होती है। आप ये कह करके राजनीति में नहीं आए थे, और ये आपका नारा नहीं था 2014 में, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन में भारत पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बांग्लादेश का जिक्र नहीं था, श्रीलंका का जिक्र नहीं था। तो एक तरह से मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी के साथ संकट ये हो गया है, वो 2004 के पहले जैसे प्रमोद महाजन ने एक शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, और शाइनिंग इंडिया में पूरा ऐसा लग रहा था कि वाकई इंडिया चमक रहा था, ऐसे ही सेम स्थिति अभी आ गई, देश चमक रहा है। अब देश चमक रहा है कौन बोल रहा है? सिर्फ सत्ता से जुड़े लोग बोल रहे हैं। हकीकत क्या है, बाहर निकलिए, आप उन्हीं बीजेपी नेताओं को लेकर के आप जाइए बाजार में, देखिए क्या स्थिति है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी क्या है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो एकता है ना, वो भारी पड़ने लगी है बीजेपी नेतृत्व को, मोदी को, मोदी जी को, और तमाम जो भी सत्ता में बैठी हुई है, जो एनडीए। गणेश जी, आपने विपक्ष का नाम लिया तो विपक्ष पे एक छोटा सा सवाल बनता है। विपक्ष में अभी तक ये था कि कौन चेहरा होगा विपक्ष, विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद के? जी, विपक्ष का आपने नाम लिया, विपक्ष के बीच अभी सारी लड़ाई ये चल रही थी, मतलब एक अंदर ही अंदर उत्तम मुद्दा ये थी कि विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन निकलेगा। इधर जो बीजेपी है, एनडीए है, जेपी नड्डा है, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, फिर अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात कई बार सच भी हो जाती है। उनका ये कहना है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक पाएंगे, ऐसा उन्होंने कई भाषणों में ऐसा संकेतिक राहुल गांधी का नाम लेते हुए उनको एज अ प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो पेश किया। तो क्या बीजेपी को, बीजेपी का ये कहना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के आगे नहीं टिकते हैं, ये दो बातें समझाता है। एक कि राहुल गांधी का कद जो था, जो एक जमाने में उनको, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उससे बढ़ चुका है, और दूसरा ये कि जो विपक्षी एकता जो
15 दल 16 दल इकट्ठे होकर साथ बैठ रहे हैं, इनके बीच में जब बीजेपी एक नाम ले देती है राहुल गांधी का, तो क्या कुछ ऐसे दल होंगे जो अपने आप को बैकफुट पे ले जाएंगे और विपक्षी एकता से पीछे हट जाएंगे? क्या राहुल गांधी का नाम लेना एक ऐसी रणनीति बन सकता है? आपने सवाल समझ गया, आप दो चीज समझिए। पहले तो ये बात नहीं होती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी के नेता बोलते हैं चाहे आपके कोई लोग बोले। अब तो खुद बीजेपी के नेता अमित शाह लगातार भाषणों में बोल रहे हैं या उनके मुंह से निकल रहा है, और जो अभी कुछ चैनलों के सोशल मीडिया पर ट्रेंड आया था, क्या आप किसको प्रधानमंत्री देना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी जी को? अभी मैंने देखा थोड़े पहले आज तक का देख रहा था, कोई एक आज तक चैनल है उसका सोशल मीडिया में आया कि आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सर्वे किया मैंने, जो उसको क्लिक किया देखने के लिए, तो उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा थे। आप समझिए इस बात को। तो कहने का मतलब यह कि अब ये धीरे धीरे विपक्ष की एकता में, अभी नाम तो प्रस्तावित नहीं होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन विपक्ष के नेता लोग जो भी शामिल हैं मान रहे हैं कि मोदी से सीधी लड़ाई, बीजेपी से सीधी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है। जाहिर सी बात है वो कैंडिडेट बनेंगे। देखिए ऐन वक्त पर क्या होगा, कौन पॉलिटिकल पार्टी किधर छिटक जाएगी, उसका कहना बड़ा मुश्किल है भारतीय राजनीति में, ठीक है। लेकिन इतना तो तय है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार को और मोदी को टक्कर देने की स्थिति में राहुल गांधी अब आ चुके हैं। अब आप इसको मजाक बनाइए मीम्स के जरिए कि ये क्या करेगा, हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो लगातार उनके बारे में बोला जाता है, लेकिन राहुल गांधी बहुत पहले जैसे भारत जोड़ो यात्रा उनका एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से छवि बनी और लगातार वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और जनता के सवालों को मुखरता से उठा रहे हैं। कांग्रेस संगठन में भी बहुत कमजोरी है, राहुल गांधी एक लीडर जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, देखिए लीडर तो पहले से भी थे, आप मानिए आप उनको कुछ भी बना दीजिए, हार गए तो आपको कुछ भी कह दीजिए, लेकिन राहुल गांधी लगातार चाहे कोरोना के पहले का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, हर वक्त वो मोदी सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में रहे हैं और अब तो स्थिति उनके पक्ष में बनती जा रही है। इसका देखिए आप कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो क्या आप इसमें राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं देंगे? कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी हो रहा है इस वक्त, जैसे बीजेपी मतलब मोदी होता है। तो लीडरशिप का क्या है ना कि देखिए मेरे पास समय की कमी है संजय जी, मैं निकलूंगा कहीं मुझे जाना है। छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जो उन्होंने पिछले साल शुरू की थी, मुझे लगता नहीं कि वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में जरूर उसका समापन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जहाँ भी गए वो लोगों से मिलते ही मिल रहे हैं, आम लोगों से, खासकर आम जनता के बीच आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मणिपुर में भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे की बात करते हैं हम, शुरुआत से और अभी भी और आगे भी वो जहां जाएंगे और जिस तरीके से लोगों से मिलेंगे, ये जनता के बीच में उनके दिलों में कितना घर करेगी और कितनी सेंध लगाएगी बीजेपी के किले राहुल गांधी की भारत जोड़ो? हाँ, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, बीच में उन्होंने ट्रक की यात्रा की थी, फिर बीच में वो एक मोटर मैकेनिक के घर पहुंचे, ये यात्रा का ही पड़ाव कहेंगे इसको। भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य विषय क्या था, लोगों से जुड़ना। तो आप पैदल चल के जुड़िए चाहे आप जैसे भी जुड़िए, तो समाज के हर तबके से जुड़ना यही तो यात्रा है। और मणिपुर भी गए उसी यात्रा के तहत गए होंगे, और उनकी कांग्रेस पार्टी के आप ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये भारत जोड़ो यात्रा जारी है। मतलब ये है कि इन इन सब चीजों से जब आप जाते हैं तो जनता आपको जरूर प्यार देगी, जो जनता से जितना दूर हो जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बनी, लगातार बीजेपी जनता के मुद्दों को उठाती रही थी। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी हो चाहे राजनाथ सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, महंगाई के मुद्दे पर महंगाई डायन खाए जायत है क्या गाने के वो बोल निकलते थे उस वक्त, टेलीविजन चैनल पर खूब होता था खबरें वो उठती थी। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय मीडिया अभी सोया हुआ है, अब सोया हुआ है कि क्या कर रहा है वो तो
वो जाने, लेकिन सच तो ये है कि इस वक्त जो है महंगाई हो चाहे विपक्ष की जो भी मुद्दे हैं उसको मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपके नहीं दिखाने से कुछ नहीं हासिल होगा। अगर मीडिया से देश का भविष्य बनना होता तब तो कांग्रेस पार्टी कब का मीडिया अपने हाथ में ले चुकी होती। ऐसा नहीं है, इस मुगालते में कोई ना रहे, लेकिन राहुल गांधी की इन यात्राओं से जबरदस्त इजाफा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में के जोश में, संगठन में, और इसका नतीजे हम लोग देखे हैं। कर्नाटक के, कर्नाटक में जो सफलता मिली है, डबल इंजन सरकार आपने हरा दिया, मामूली चीज थोड़े है। आप मोदी सरकार को हराना या मोदी सरकार के डबल इंजन को हटा देना, ये कोई मामूली जीत नहीं कहेंगे इस दौर में, जहां पर मीडिया उसके साथ में है, मीडिया उसकी फ्रंटल सेना बनी हुई है। एक भी खबरें जो है विपक्ष के पक्ष में नहीं आती है, या सही खबरें नहीं आती है, खबरों को दबाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। हम सब मीडिया के आदमी है, जानते हैं कैसे खबरों को दबाया जाता है, कैसे भ्रमित किया जाता है। देखने खबर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि खबर है क्या, दिखाया क्या जाता है। हर वक्त एजेंडा, आप हिंदू मुस्लिम काम बात कर देते हैं, समस्या कुछ और है, बात करते कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक चुनौती बने हुए हैं, लेकिन ये चुनौती 2024 में उनको ताजपोशी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये दिखने वाली बात होगी। इस पर मेरी कोई राय नहीं है, मैं इसको देख रहा हूं कि एक चुनौती बने हुए हैं। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। ऐसी चर्चा इंडिया लाइफ पर होती रहती है, देश से जुड़े हुए मसलों पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद ज्ञानेश जी। धन्यवाद संजय जी।